गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मण सर आपके लिए पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 की विज्ञान। चैप्टर है धातु एवं अधातु, और इसमें आज हम पढ़ेंगे एस का सांद्रण कि एस का सांद्रण क्या होता है और ये कैसे होता है। प्यारे बच्चों, सांद्रण का मतलब है, पहले सांद्रण का मतलब सुनो, सांद्रण का मतलब क्या होगा। मैं एस के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि एस क्या होते हैं, फिर से बताता हूँ। वे खनिज जिनसे हम बहुत आसानी से कम लागत में, कम पैसे में, कम समय में आराम से धातु प्राप्त कर सके, ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम समझते हैं सांद्रण क्या है। देखो, जो अयस्क होते हैं ना, अयस्क में अशुद्धियां होती हैं। तो अयस्कों से, मान लीजिए हमें कॉपर का अयस्क है, कॉपर के अयस्क से हमारे कॉपर निकालना है, तो कॉपर के अयस्क में कुछ अशुद्धियां भी होंगी, तो हम जो अशुद्धियां दूर करते हैं उस विधि को हम कहते हैं सांद्रण। अर्थात अयस्क से अशुद्धियों को बाहर निकालना सांद्रण कहलाता है। अब सांद्रण करने की कोई ना कोई विधि होगी, तो जो विधि अप्लाई की जाती है उस विधि में एक विधि है, उसका नाम है फेन पिलवन विधि। इस विधि से हम अयस्क का सांद्रण सीखेंगे कैसे करते हैं, अर्थात अयस्क से अशुद्धियों को बाहर निकालेंगे। प्यारे बच्चों, फेन पिलवन विधि हम तभी यूज करेंगे जब हमारे जो अशुद्धियां हैं जो किस प्रकार हो, मतलब हम ऐसे अयस्कों की अशुद्धियां दूर कर सकते हैं इस विधि में जो अयस्क हल्के होते हो। कैसे अयस्क हो? हल्के अयस्क होने चाहिए, या हम कह सकते हैं सल्फाइड अयस्क होने चाहिए। सल्फाइड अयस्कों का या हल्के अयस्कों का हम इस विधि से शुद्धिकरण करेंगे या सांद्रण करेंगे। ये बात आपको समझने लायक है, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हम किस प्रकार के अयस्कों का फेन पिलवन विधि से सांद्रण कर सकते हैं। तो हम मुख्यतः सल्फाइड अयस्क या हल्के अयस्कों का ही सांद्रण इस विधि से करते हैं। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है, सल्फाइड अयस्क या हल्के अयस्कों का ही सांद्रण करते हैं। अब हम जानेंगे आखिर ये विधि है क्या, ये कैसे वर्क करती है। प्यारे बच्चों, ये मैं बना रहा हूं, कोई भी टैंक समझ सकते हो या कोई भी बीकर, मान लीजिए कोई भी टैंक है या बीकर है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्यारे बच्चों पानी भर लेते हैं, ठीक है। पानी भर के इसमें हम चीड़ का तेल डाल लेते हैं, थोड़ा सा चीड़ का तेल, बताऊंगा क्यों, ठीक है, चीड़ का तेल। और हमें जिस अयस्क का शुद्धिकरण करना हो, ठीक है, उस अयस्क को पीस करके इसमें हम डाल लेते हैं, ठीक है बेटा। क्या करते हैं हम इसमें पिसा हुआ अयस्क डाल लेते हैं, पिसा हुआ अयस्क इसमें हमने डाल लिया है, चीड़ का तेल डाल लिया। अब क्या करें, इसे हम टी आकार की एक पाइप लगा देते हैं, ये एक टी आकार का पाइप है। इस टी आकार के पाइप में यहां पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं। फिर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां से हम एयर भेजते हैं, अर्थात वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम वायु की तेज धारा प्रवाहित करेंगे तब इसमें से क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें बहुत तेज वायु का प्रेशर निकलेगा। इन छेदों में से समझ आ रही है बात, जब इनमें से बहुत तेज वायु का प्रेशर निकलेगा तब झाग उत्पन्न होंगे। झाग उत्पन्न होंगे तो मैंने क्या कहा कि हम इसमें उस प्रकार के अयस्क लेंगे जो हल्के होते हैं, तो वे अयस्क क्या होंगे प्यारे बच्चों, झाग के साथ लिबड़ करके या मिल करके ऊपर पानी की सतह पर झाग एकत्र हो जाएंगे। ये क्या हुए, ये झाग एकत्र हो गए और इन झागों में हल्का अयस्क मिला रहता है, ठीक है ना। तो इन हल्के अयस्कों को हम छलनी से उतार लेते हैं, अर्थात झागों को उतार लेते हैं, उतार करके एक बर्तन में यहां रख लेते हैं, और इस बर्तन में रख करके झागों को हम धूप में सुखा लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे लिए शुद्ध अयस्क यहां प्राप्त हो जाएगा। जो गंदगी होगी प्यारे बच्चों, वो गंदगी इसके नीचे बैठी हो जाती है, जिन्हें हम गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इतनी सी ये फेन पिलवन विधि थी। तो इसमें एक बात अंडरलाइन करने वाली है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फेन पिलवन विधि में केवल हम उन्हीं अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं जो सल्फाइड अयस्क होते हैं या हल्के अयस्क होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप नोट कर लेना। तो वीडियो आपको कैसा लगा बता दीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।